हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लगता जा रहा है। राजकुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी लोगों के निशाने पर आ रही है। जहां एक तरफ वो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने शो से खुद को अलग कर लिया है ताकि शो पर विवाद ना खड़ा हो। लेकिन अब लीजिए, शिल्पा शेट्टी के शो को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, दरअसल शिल्पा के शो सुपर डांसर की इस हफ्ते की टीआरपी में भारी गिरावट आई है। ये शो टॉप 5 से बाहर हो गया। पिछले हफ्ते शिल्पा के इस शो ने टॉप 5 में अपनी जगह जैसे तैसे बनाई हुई थी, लेकिन इस वीक ये शो टॉप 5 में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कई ऐप्स पर पब्लिश करने के आरोप में राजकुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, जिसके बाद से ही शिल्पा के इस शो पर भी बुरा असर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं अगर टॉप 5 शोज की बात करें तो रूपाली गांगुली के सीरियल पर हर किसी की नजर है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा ने ही पहले नंबर पर बाजी मारी है और इसके पीछे की वजह इस शो का शानदार ट्रैफिक है। वहीं दूसरे नंबर पर गुम है किसी के प्यार में। नील भट्ट के इस सीरियल में इन दिनों मेकर्स लव ट्रायंगल पर फोकस कर रहे हैं। सीरियल का लेटेस्ट ट्रैक लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। सुंबल तौकीर खान का सीरियल इमली भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। पिछले बार की तरह इस हफ्ते भी ये शो तीसरे नंबर पर है। सोनी टीवी के इस रियलिटी शो इंडियन आइडल के मेकर्स हर एक एपिसोड को खास बनाने में खूब मेहनत कर रहे हैं और फिनाले से पहले मेकर्स दर्शकों का दिल जीतने में भी कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, इस हफ्ते ये शो चौथे नंबर पर है। एकता कपूर का शो ये है चाहते की रेटिंग में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस हफ्ते ये शो 5वें पायदान पर है। अब बात करें शिल्पा शेट्टी की, तो फिलहाल वो अपने पति की वजह से ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। वही हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसे राजकुंद्रा की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए, बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।